फोर्थाई न्यूज नजर हर खबर पर। जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनौती देते हुए कहा कि अडानी के मालिकों से 14 जून को शाम 6 से 8 बजे छत्तीसगढ़ सदन के बंद कमरे में डिपॉजिट 13 गारेपालमा 2 गिधमुरी पिटुरिया और चोटिया खदानों का MDO माइनिंग ठेके को लेकर क्या सौदा हुआ है इसका जवाब दें। इसके अलावा मेरी माँ रेणु जोगी से आपने बंद कमरे में क्या चर्चा की है इसका भी खुलासा करें। अमित जोगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में डकैत रमन सिंह और डाकिया भूपेश बघेल दोनों ने मुझे झूठे मामले में फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। न्यायपालिका और जनता का आशीर्वाद नहीं होता तो कब का मैं सूली पर लटक गया होता। नरवा गरवा घुरवा और बारी के बहाने छत्तीसगढ़ को अदानीगढ़ बनाने की सौदेबाजी कर चुके छत्तीसगढ़ CMO मेरे दो प्रश्नों का सीधा जवाब दें। पहला, क्या उन्होंने अदानी ऑनलाइन के मालिकों से 14 जून 2019 को शाम 6 से 8 बजे तक छत्तीसगढ़ सदन के बंद कमरे में डिपॉजिट 13 गारेपालमा 2 गिधमुरी पिटुरिया और चोटिया खदानों का MDO माइनिंग ठेके का सौदा किया है या नहीं? इसका उत्तर केवल मैं नहीं पूरा छत्तीसगढ़ जानना चाहता है। दूसरा, मेरी माँ डॉक्टर रेणु जोगी ने बंद कमरे में भूपेश बघेल से क्या बात की इसका भी खुलासा करके न केवल मेरी निजी जिज्ञासा समाप्त करें बल्कि जो उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ के इतिहास की सबसे वरिष्ठ महिला विधायक चिकित्सक और लेखिका का चरित्र हनन का घिनौना दुष्प्रयास करके मुझसे अपनी भड़ास निकालने की कोशिश करी है उसके लिए सार्वजनिक तौर पर उनसे और छत्तीसगढ़ की सभी स्वाभिमानी और चरित्रवान महिलाओं जिनका सम्मान करना वे आज तक नहीं सीख पाए उनसे माफ़ी मांगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमित जोगी के अडानी के अधिकारियों से मुलाकात के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह अडानी पर जवाब नहीं दे पाए तो अपनी बी टीम को सामने कर दिया। CM ने कहा कि किससे मिल रहे हैं और किससे नहीं मिल रहे हैं यह किसी से छिपा नहीं है, मुख्यमंत्री से सब लोग मिलने आते हैं। अमित की माता विधायक रेणु जोगी भाभी भी मिलकर गई है, एकांत में बातचीत हुई है। अमित जोगी बताएं अब उस बातचीत को सार्वजनिक करना है या नहीं। इसके जवाब में अमित जोगी ने उनसे बंद कमरे में हुई बातचीत को सार्वजनिक करने की बात कही है। अब इस पूरे मामले में अमित जोगी ने सिविल लाइन थाना में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR करने के लिए आवेदन दिया है। इस तरह की और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल फोर्थ आई न्यूज, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले पहुंच सके आप तक।